हमारे बॉडी में जो चल रहा है वही हमारे स्किन पे दिखाई देता है, या फिर आप बाहर की धूल मिट्टी प्रदूषण वातावरण की वजह से भी हमारे स्किन पे उसका रिजल्ट दिखाई देता है, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा ही हानिकारक होते हैं। पिगमेंटेशन हो जाते हैं हमारे स्किन पे, उसकी वजह से बाहर की या फिर घर में आप जो खाते हैं, आप जैसे आपके बॉडी में जो चल रहा है उसकी वजह से आपकी स्किन पे दिखाई देता है। आप बाहर क्या खा रहे हैं, बाहर नहीं क्या नहीं खा रहे हैं, उस सबकी वजह से सारा रिजल्ट आपकी स्किन पे बता देता है कि आप कितना अच्छा खा रहे हैं कितना अच्छा नहीं खा रहे हैं। आपके इसी आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाती है, सन टैन हो जाती है, एंड जो छोटे छोटे दाने होते हैं डिस्कलरेशन ये सब हो जाती है। सब डिपेंड करते हैं आपके खाने पे, आप क्या फूड खाते हो, क्या फूड नहीं खाते हो, क्या फूड खा रहे हो तो आप रुक जाओ मत खाओ, ये सब की वजह से आपकी स्किन खराब हो जाएगी। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आज बात करूंगी कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या आपको फेस पे अप्लाई करना है। तो चलिए फ्रेंड, मैं सारी ये इन्फॉर्मेशन पिगमेंटेशन के ऊपर मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी। तो मैं हूँ सना, आज देख रहे हैं होम रेमेडीज ब्यूटी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पिगमेंटेशन क्या है, पिगमेंटेशन किसे कहते हैं। पिगमेंटेशन उसे कहते हैं जो आपके चेहरे का कुछ हिस्सा बाकी के हिस्सों से बहुत ही अलग हो चुका है उसे पिगमेंटेशन कहते हैं। मेन पिगमेंटेशन इंडियन स्किन टोन में कुछ ज्यादा ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये आपके खाने पे ही ये रिजल्ट दिखाता है कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, आपके खाने पे ही डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हो। या तो फिर दो रीजन होता है, इंटरनल या तो एक्सटर्नल। इंटरनल रीजन होता है आपके डायबिटीज है, आपके स्किन पे बहुत ज्यादा आप कुछ मेडिसिन लगा रहे हो जो आपकी स्किन पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है, उसका साइड इफेक्ट आपके स्किन पे दिखा रहा है, या फिर आपको थायराइड है, या फिर आप डाइजेस्ट सही से नहीं हो पा रहा है, ये सारा रीजन आपके स्किन पे दिखा देता है कि आपका कैसा अंदर का इंटरनल है। तो चलिए बात करते हैं कि पिगमेंटेशन होता क्यों है, होता कैसे होता है आपकी स्किन पे। सबसे पहले तो आपकी स्किन पे मेलानाइन के प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, ये स्किन पे मेलानाइन का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपके स्किन पे, उस वजह से आपके पिगमेंटेशन हो जाते हैं। ये इंडियन स्किन टोन में कुछ ज्यादा ही पाए जाते हैं। बाहर की बात करें तो एक्सटर्नल आप क्या खा रहे हो, मेन है कि आप क्या खा रहे हो, आप क्या नहीं खाते हो, आपको क्या खाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बात करूंगी खाने के बारे में कि सॉल्यूशन में आपको बताती हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए। जो व्हाइट चीज है जैसे कि नमक, आप नमक छीट के ऊपर सैलेड में खाते हो ना, वो आपको बंद कर दो। अगर आप खा रहे हो तो बंद करो। या हो जाता है कि किसी सब्जी में दाल में नमक कम हो गया तो आप उसे छीट के खाते हो, या सैलेड में आप छीट के खाते हो तो वो बंद कर दो। जो व्हाइट चीज है, व्हाइट खाना है, फूड है, उसे आप बंद कर दो। उसकी वजह से आपके स्किन पे बहुत ही डिस्कलरेशन हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, सब हो जाता है, आप इसे बंद करना पड़ेगा। हाँ, पका हुआ आप सॉल्ट नमक खा सकते हो जो आप सब्जी में पक चुका है, लेकिन हाँ ऊपर से आप डालो तो उसे बंद कर दो। हाँ, काला नमक आप उसमें डाल सकते हैं या सेंधा नमक आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन आप ये व्हाइट सॉल्ट आप बिल्कुल भी ना डालें, इसकी वजह से आपकी स्किन खराब हो जाएंगे। स्टेप नंबर टू, आपको इसमें आपको शुगर भी आप ज्यादा आप नहीं ले सकते, क्योंकि शुगर भी व्हाइट में ही आता है, तो शुगर भी आप ज्यादा ना लें तो उसमें आप भी डाल दें, ऊपर से आप बिल्कुल नहीं डालें, वो भी व्हाइट ही हो तो व्हाइट आपको नहीं खाना है। अगर आप आलू को ज्यादा ही खा रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे डाइजेस्ट करता है, हमारे पर खान पान को डाइजेस्ट करता है, जिस प्रोटीन साइड में चला जाता है। तो प्रोटीन से होता है क्या है कि हमारे पिगमेंटेशन दूर हो जाते हैं। तो हम कुछ ज्यादा ही अगर हम आलू खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट चीज खा रहे हैं, तो उस वजह से डाइजेशन होता है और प्रोटीन जो है साइड में चला जाता है, तो हमारे स्किन की जो मेलानाइन प्रोडक्शन है कुछ ज्यादा ही हमारी स्किन पे बढ़ जाती है और पिगमेंटेशन हो जाती है। नेक्स्ट है, आप घी खाना बंद कर दीजिए। घी है, मैदा है, ये सब आप खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये भी व्हाइट पॉइजनिंग में ही आता है, यानी कि मैदा व्हाइट होता है तो ये व्हाइट पॉइजनिंग में भी आता है। ये सब क्या आपको खाना चाहिए क्या आपको नहीं खाना चाहिए। अब मैं बात करूंगी कि क्या आपको अपने फेस पे लगाना चाहिए। मैं DIY बताऊंगी जो आपको क्या अपने फेस पे लगाना चाहिए, जिसकी वजह से आपका ये जो पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स है या फिर पिंपल्स है, ये सब आपको खत्म हो जाएगा इजीली। सबसे पहले तो आप ले लेंगे चावल का आटा। चावल का आटा हर किसी के घर में रहता है, उसमें हम थोड़ा सा रॉ मिल्क कूल लेना है, मैंने बिल्कुल फ्रिज से निकाल के आपको ये रॉ मिल्क ऐड करना है। 1 स्पून हम चावल का आटा ले लेंगे, 1 स्पून हम रॉ मिल्क लेंगे, एंड 1 स्पून हमें लेना है सैंडलवुड पाउडर। जो तीनों का मिश्रण हमारे स्किन पे, हमारे स्किन को इसमें व्हाइट भी कर देगा, लाइट भी कर देगा और हमारे पिगमेंटेशन को भी इजिली दूर कर देगा। ये बहुत ही इजी DIY है, मैं आपको बता रही हूँ। ये आपके अपने फेस पे आपको अगर आपको हटाना
ना है पिगमेंटेशन, तो आप प्लीज इसे रेगुलर यूज कीजिए, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही इजी DIY है। या फिर आप कोई मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मैं उसका भी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आपको कौन सा मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए जिसकी वजह से आपकी स्किन थोड़ी सी लाइट ब्राइट और पिगमेंटेशन बिल्कुल खत्म हो जाए। अब दोनों में से कोई भी आप, मैं जो DIY बताई हूँ वो आप भी यूज कर सकते हैं, या फिर मैं आपको जो मार्केट का बता रही हूँ सनस्क्रीन जो जिसमें SPF है और आपकी स्किन की भी लाइटनिंग की भी प्रॉपर्टीज होती है, तो ये मैं दो चीज आपको बता रही हूँ, दोनों आपके फेस पे आपको जो सही लगेगा आप वो आप लगा सकते हो। बिल्कुल ये बहुत ही इफेक्टिव आपकी रेमेडी है आपको अगर पिगमेंटेशन दूर करना है तो। नहीं तो आप, मैंने जो बताया आप कुछ आप इसको फॉलो मत करो, नहीं तो आपको अगर हटाना है तो आप ये फॉलो जरूर कीजिए। मैंने आपको जो जो बताया है क्या खाना चाहिए, व्हाइट चीज आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, व्हाइट पॉइजनिंग है ये आपके स्किन के लिए, पिगमेंटेशन के लिए आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। चीनी, हाँ चीनी आप ज्यादा, मीठा आप बिल्कुल ज्यादा नहीं खाएं, उसकी वजह से आपके फेस पर दिख जाता है। मीठा ज्यादा नहीं खाएं, आपको खाना भी है तो कम खाएं, और ऊपर से तो बिल्कुल भी ना डालें व्हाइट नमक, व्हाइट सॉल्ट ऊपर से बिल्कुल ना डालें। कच्चा पका हुआ डाल सकते हैं, आपको मैदा फ्राई ये सब बिल्कुल भी नहीं है आपको खाना है। और आपको ये जो खान पान का जो ध्यान मैंने आपको बताया वो बिल्कुल सही तरीके से रखना है, ये सारी चीज मैं आपको बता रही हूँ अगर आपको पिगमेंटेशन दूर करना है तो। तो चलिए फिर मैं चलती हूँ, आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी रेमेडी लाके देती रहूंगी आपको। आप प्लीज मुझे बताइए पिगमेंटेशन का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक लिए बाय बाय।